सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज हम लोग आपका चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का। ठीक है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन सेटलमेंट। जैसे कि आपका लास्ट क्लास में मैंने आपका ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर को कंप्लीट किया था, तो आज उसका हमारा फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन सेटलमेंट, उसका बारे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो चैप्टर 4 का नाम क्या है आपका, ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या है कि हम लोगों का सेटलमेंट, ह्यूमन लोगों का सेटलमेंट किस तरह का है। ठीक है, कौन कौन लोग कहाँ रह रहा है, किस तरह का सेटलमेंट हो रहा है, उसका बारे आपको यहाँ दिखने को मिले। तो यहाँ में क्या होता है कि आपका मेनली आपका दो चीज़ का बारे बताया। ठीक है, कि सेटलमेंट का दो चीज़ का बारे बताया है आपका, टू थिंग्स। ठीक है, मेनली आपका दो चीज़ का बारे बताया, एक तो है आपका अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, आपका बुक में दिया है अर्बन सेटलमेंट एंड देन आपका रूरल सेटलमेंट। ठीक है, आपका ये अर्बन सेटलमेंट का बारे बताया है एंड रूरल सेटलमेंट का बारे बताया कि हमारे ह्यूमन सेटलमेंट लोग किस तरह का सेटलमेंट में आपका रह रहा है, कोई अर्बन में रहता है, कोई रूरल में रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर हमारा अर्बन सेटलमेंट में जो रहता है, ठीक है, वहाँ में क्या होता है कि आपका जो पीपल लोग होते हैं, आदमी लोग, मैक्सिमम आदमी लोग क्या होता है कि इन्वॉल्व होता है, मैक्सिमम इन्वॉल्व इन आपका क्या में होता है, आपका जितना भी सेकेंडरी सेक्टर हो गया है एंड आपका टर्सरी सेक्टर हो गया है, इसमें क्या होता है कि आपका इन्वॉल्व दिखने को मिलता है। ठीक है, हमारा ह्यूमन लोग का जो जो अर्बन अर्बन में आपका रहता है, ठीक है, अर्बन टाउन में जो रह रहा है उसका सेटलमेंट, वो लोग ज़्यादातर सेकेंडरी में, आपका जितने इंडस्ट्री वगैरह लोग जो कर रहा है वो टर्सरी, इन लोग में क्या होता है कि ये लोग इन्वॉल्व रहता है, तो इन लोगों का सेटलमेंट इस तरह का होता है। एंड जबकि क्या होता है कि ये एक्टिविटीज़, ठीक है, इसमें आपका क्या करता है कि इन्वॉल्व रहता है, उसी तरह आपका रूरल सेटलमेंट में क्या होगा कि मैक्सिमम आपका आदमी लोग क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। ये क्या में इन्वॉल्व होता है, हम पहले भी आपको बताया था आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, आपका क्या में होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, ज़्यादातर आप लोग क्या करते हैं, आपको पता है ये लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट होता है कि नहीं, एग्रीकल्चर। ठीक है, ये लोग एग्रीकल्चर करके ही आपका क्या करते हैं, ये लोग अपना सोर्स मिलता है, खाना पीना मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह का आपको यहाँ में पता है, ये लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, एंड देन आपका जो ये आपका अर्बन सेटलमेंट में जो आपका गुड एंड सर्विसेज आता है, ठीक है, गुड एंड जो सर्विसेज आता है, ठीक है, गुड एंड सर्विसेज जो आते हैं वो क्या होते हैं कि आपको किसका थ्रू मिलता है, आपका जो रॉ मटेरियल, ठीक है, आपको जितना भी रॉ मटेरियल एंड फूड, ठीक है, रॉ मटेरियल एंड फूड का थ्रू क्या, रूरल सेटलमेंट में जो हम लोग को रॉ मटेरियल्स एंड फूड जो मिलता है, ये जो क्या करता है कि इन लोगों को देता है, फिर इन लोग गुड एंड सर्विसेज बना के क्या करता है कि उन लोगों को फिर सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये हमारा गुड एंड सर्विसेज हमारे एक्सटीरियर, ठीक है, हमारा टाउन का एक एक्सटीरियर पार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा आउटकम होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो गुड एंड सर्विसेज मिलता है जो हम लोगों के लिए, ठीक है, तो उसी से क्या करते हैं वो लोग रॉ मटेरियल एंड फूड जो रूरल सेटलमेंट में होता है, वो लोग इसको ये लोग जो इसको देता है, फिर ये लोग क्या करते हैं कि यही गुड एंड सर्विसेज बना के इन लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उस तरह ये लोग का दोनों एक दूसरे से आप लोग क्या करते हैं कि इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, एंड देन आपका क्या होता है कि अर्बन सेटलमेंट में क्या होता है कि कुछ कुछ लोग का बिहेवियर, ठीक है, यहाँ का आदमी लोग का बिहेवियर हो गया, आपका एटीट्यूड क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है। ठीक है, एटीट्यूड फॉर्मल होता है, कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कम्प्लेक्स होता है। एंड क्या होता है कि ये लोग का लाइफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, आपका यहाँ में बिहेवियर लोग क्या करते हैं कि बहुत बिहेवियर हो गया, आपका जो भी एटीट्यूड हो गया सोशल का थ्रू, है कि ना, सोशल बिहेवियर का थ्रू क्या हो गया कि आपको वो बहुत फॉर्मल होता है, बहुत कम्प्लेक्स होता है, उसके बाद में लाइफ जो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, लाइफ इज़ वेरी फास्ट, लाइफ इसका वजह से बहुत फास्ट होता है क्योंकि ये लोग अपना ही धुन में होता है, अपना ही काम करता है, कोई किसी से लेना देना नहीं। आप अभी जिसको भी मिलो, कुछ काम का थ्रू मिलो, हेलो हाय, ठीक है, रिस्पेक्ट से बात करता है, तो इन लोगों का लाइफ जो बहुत कम्प्लेक्स होता है, बहुत फॉर्मल होता है। और उसी तरह आपका रूरल सेटलमेंट में क्या होता है कि इन लोगों का जो सोशल बिहेवियर हो गया आपका, ठीक है, इसका जो सोशल बिहेवियर हो गया एंड देन आपका जो इसका एटीट्यूड, ये लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटीमेट होता है। ठीक है,
इंटीमेट होता है, यानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, ठीक है, यानी कि इन एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ होता है, मिलजुल के रहता है, बातचीत करते हैं। इसलिए आप रूरल में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बस्ती में रहने से आसपास जो घर होते हैं वो लोग एक दूसरे से मिल के रहता है कि नहीं, बहुत खुशी से रहता है। इसलिए उन लोगों का सोशल बिहेवियर, आपके एटीट्यूड वगैरह लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटीमेट होता है बताया, ठीक है। एंड देन इसमें आपको रूरल सेटलमेंट में एक बात, इसका जो मोबिलिटी होता है कि नहीं, मोबिलिटी क्या होता है कि आपका मोबिलिटी मतलब आप समझ रहे हैं ना, ठीक है, जो आदमी आपका मतलब कम मतलब मूव करता है एक जगह से दूसरा जगह, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसलिए इसको रूरल सेटलमेंट में मोबिलिटी जो क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसका वजह से क्या करता है कि आपका माइग्रेशन जो क्या करता है कि लेस दिखने को मिलता है, ठीक है, माइग्रेशन आपको कम दिखने को मिलता है। तो यहाँ मैं आपको यही अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट का बारे आपको यही बताया कि ज़्यादातर पीपल लोग इसमें एंगेज होता है, इन्वॉल्व होता है इसमें वहाँ में होता है, ठीक है, इनको गुड एंड सर्विसेज इसका जो क्या एक आउटकम है, एक एक्सटीरियर पार्ट होता है टाउन का, ठीक है, जिससे क्या करता है कि ये लोग रॉ मटेरियल से वो लोग लेता है, फिर ये लोग रॉ मटेरियल एंड फूड को रूरल सेटलमेंट में वो लोग फिर प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो गुड एंड सर्विसेज, तो उसका वजह से ये लोगों का बिहेवियर एटीट्यूड वगैरह हो गया बहुत फॉर्मल होता है, कम्प्लेक्स होता है, उसी तरह इन लोगों का सोशल बिहेवियर एटीट्यूड क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटीमेट होता है, ठीक है, एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ हमें ये बताएं, देन अभी हमने कुछ बताया कि जो हमारा रूरल सेटलमेंट हो गया, ठीक है, हमारा रूरल सेटलमेंट कुछ कुछ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बताए, ठीक है, आपका बुक में यहाँ बताया कि हमारा जो रूरल सेटलमेंट हो गया है कि नहीं, इन लोगों को क्या करता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कुछ कुछ फैक्टर्स, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है आप अभी देख सकता है, ठीक है। यहाँ में मान लो आपका रूरल सेटलमेंट में आपको कुछ फैक्टर्स है, ठीक है, फैक्टर्स है जो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो क्या क्या है, उनसे आपका सबसे पहले है फिजिकल, शिट, फिजिकल फैक्टर हो गया आपका, है कि नहीं, नंबर टू हो गया आपका कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, आपका पहला है फिजिकल फैक्टर्स, दूसरा है कल्चरल फैक्टर्स, एंड देन आपका थर्ड है सिक्योरिटी फैक्टर्स, सिक्योरिटी कल्चरल एंड आपका इथनिक, ठीक है, इथनिक फैक्टर्स हो गया, ये सिक्योरिटी फैक्टर्स हो गया, ठीक है, एंड आपका यही तीन फैक्टर्स है जो क्या करता है कि आप लोगों को ये रूरल सेटलमेंट, ठीक है, यानी कि जो आपका RS यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स हो गया, जैसे कि आपका यहाँ में क्या हो गया कि किस तरह का लैंड फॉर्म्स है, ठीक है, लैंड फॉर्म्स देखने को मिलता है कि लैंड फॉर्म होता है, एंड देन किस तरह का है, टेरेन है ना क्या है, ठीक है, तो आपका फिजिकल फैक्टर जितना फिजिकली चीज़ को बता रहा है उस जगह में बता रहा है, ठीक है, आपका जैसे कि क्लाइमेट हो गया है, ठीक है, क्लाइमेट वगैरह हो गया, रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल हो गया, रेनफॉल क्लाइमेट हो गया है, ठीक है, ये लोग किस तरह का आपका क्या है कि लैंडफॉर्म है, किस तरह का टेरेन है, किस तरह का रेनफॉल, किस तरह का क्लाइमेट है, आपको ये फिजिकल फैक्टर्स में दिखने को मिलता है, जो कि क्या करता है कि आपका रूरल सेटलमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। एंड आपका कल्चरल एंड इथनिक में आपका देखा जाएगा तो ये क्या होता है, आपका जितना भी रिलेटेड होता है किसका बेसिस में, रिलेटेड टू आपका जितना भी वो हो गया आपका कास्ट हो गया, है कि नहीं, रिलीजन हो गया, आप समझ जाए ना, कल्चर एंड एथनिक से आप सिंपली आप समझ सकते हैं कि कास्ट का बारे हो गया, रिलीजन लोग का बारे हो गया, है कि नहीं, ये सबसे आपसे क्या होता है कि रिलेटेड होता है, जिससे क्या करते हैं हमारा रूरल सेटलमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ये लोग, कुछ एक ऐसा फैक्टर्स है, ठीक है, जो हमारा रूरल सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा हम लोग दिखने को मिलता है। एंड सिक्योरिटी फैक्टर्स क्या हो गया, जैसे कि आपका रॉबरी वगैरह हो गया, है कि नहीं, रॉबरी वगैरह हो जाता है, चोरी थेप्त होता है, ठीक है ना, ये सब क्या होता है कि आपका ऐसा फैक्टर्स है जो हम लोग इस तरह का हमारा ये रूरल सेटलमेंट में दिखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हम लोगों को रूरल सेटलमेंट का लोग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट करता है इन सब फैक्टर्स, ठीक है, ये सब फैक्टर्स कि किस तरह का ऐसा होगा, ये होगा, है कि नहीं इस टाइप का। तो अभी यहाँ में आपको फैक्टर्स बताया, एंड देन अभी रूरल सेटलमेंट का भी आपका बहुत ज़्यादा आपका टाइप्स बताया गया है, ठीक है, रूरल सेटलमेंट का आपको का बुक में आपको कुछ टाइप्स दिया गया है कि किस तरह का रूरल सेटलमेंट आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि बस्ती एरिया लोग में आपको किस तरह का सेटलमेंट होगा, है कि नहीं, तो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे।
ठीक है, तो आपको यहाँ में रूरल सेटलमेंट का मैंने आपको कितना टाइप्स बताया है, 4 टाइप्स। ठीक है, आपका रूरल सेटलमेंट में आपका 4 टाइप का बताया है। पहला है आपका क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ठीक है। दूसरा है आपका सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। तीसरा है हैमलेटेड सेटलमेंट, ठीक है, हैमलेटेड सेटलमेंट। एंड फोर्थ है आपका डिस्पर्स, ठीक है, डिस्पर्स सेटलमेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या बताया कि रूरल सेटलमेंट में हमारा 4 ऐसा टाइप्स बताया गया है जिसका नाम है क्लस्टर सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, हैमलेटेड सेटलमेंट एंड डिस्पर्स सेटलमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेगा कि क्लस्टर सेटलमेंट क्या है, सेमी क्या है, हैमलेटेड क्या है एंड देन डिस्पर्स क्या है। ठीक है, तो आपको देखो क्लस्टर सेटलमेंट में क्लस्टर सेटलमेंट किस तरह का होता है, जैसे कि मान लो, ठीक है, ये एक बस्ती है, ठीक है, मान लो एक बस्ती है, एक गांव है, ठीक है, एक गांव है, इसमें क्या होता है कि आपका जिसका घर क्या होता है कि सामने सामने होता है, ठीक है, ठीक है, इसका घर क्या होता है कि सामने सामने होता है एंड देन उसका क्या होता है कि आपको यहाँ में देखने को मिलेगा कि क्या होता है कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होता है, ठीक है, कम्पैक्ट होता है एंड देन यहाँ में क्या होता है कि आपका लैंड जो बहुत फर्टाइल होता है, आपका फर्टाइल लैंड दिखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका वजह से क्या होता है आपका लैंड फर्टाइल होने से आपका एग्रीकल्चर अच्छा होगा, है कि नहीं, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो यहाँ में क्या होता है कि आप इसमें दिखने को मिलेगा कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होके बैठा होता है, ठीक है, क्लोज होके बैठा होता है एंड देन आपका लैंड जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है जिसमें क्या होता है आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा से हो सकेगा, ठीक है, जैसे कि हमारा इंडिया का बहुत नॉर्दर्न प्लेन पार्ट में है कि नहीं, हमारा इंडिया का जितना भी नॉर्दर्न पार्ट हो गया, नॉर्दर्न प्लेन पार्ट में हो गया आपका, देन आपका जितना भी हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसमें क्या होता है कि आपको इस तरह का आपको सेटलमेंट दिखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ में क्या होता है हमारा लैंड जो बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है, एंड देन आपका क्या होता है कि जिसका कारण से हमारा जो सिक्योरिटी होता है, एक सिक्योरिटी सेटलमेंट होता है, उसको आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आपका मान लो आपका राजस्थान एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि राजस्थान में देखो, राजस्थान में क्या होता है कि आपका यहाँ में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, मैक्सिमम क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है हमारा ये क्लस्टर सेटलमेंट का, क्लस्टर सेटलमेंट, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ में राजस्थान में आपको पता है कि पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है कि नहीं, पानी का कमी होता है, जिसका वजह से क्या होता है कि यहाँ का लोग एक दूसरे का सामने सामने रह के वो लोग दूर दूर जाके पानी लेने जाता है कि नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे का थोड़ा सामने सामने रहता है कि नहीं, तो क्लस्टर होकर बैठता है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि राजस्थान का लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है। एंड देन आप देख सकते हैं कि हमारा जितना भी हम पता है इंडिया का जितना भी नॉर्दर्न प्लेन पार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट हो गया, ठीक है, उसमें भी आपको ये इस तरह का आपको ये क्लस्टर सेटलमेंट दिखने को मिलता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो सिक्योरिटी सेटलमेंट को हम लोगों को क्या करता है कि बहुत ज़्यादा क्या करता है, आपको इफेक्ट करता है, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है कि सिक्योरिटी सेटलमेंट को भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि किसका बेसिस में होता है, आपका सिक्योरिटी बेसिस में होता है कि हम लोगों को हमारा ये सेटलमेंट को किस तरह आपको सिक्योर करना है, सिक्योरिटी गार्ड करना है कि नहीं, तो इस टाइप का आपको यहाँ में बताया गया है। तो ये तो होता है आपका क्लस्टर सेटलमेंट, ठीक है, जो कि बहुत
एक दूसरे के सामने में रहता है एंड इसका लैंड जो बहुत फर्टाइल होता है, जिसका वजह से हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा रहता है। देखिए ये सब जस्ट एग्जाम्पल है आपको ये बताने के लिए, तो सिंपल से आपको ये हम क्लस्टर सेटलमेंट में आपको ये बताया है, ठीक है। एंड दूसरा क्या बताया आपको, सेमी क्लस्टर, ठीक है ना। सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, ठीक है, जैसे अभी हम क्लस्टर पढ़ा था, अभी हमें सेमी क्लस्टर सेटलमेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ एक बस्ती हो गया, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट में क्या होता है कि कोई भी एक गांव होगा, ठीक है, गांव में जो बीच में मिडिल में आपका क्या होता है कि कोई सेंट्रल पार्ट का लोग रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है एंड आसपास का गांव को क्या करता है कि उन लोग जो डोमिनेट करके रखते हैं, जिसका कारण से क्या होता है कि आपको इसमें सेमी क्लस्टर दिखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लो ये एक सेंट्रल पार्ट हो गया, ठीक है, एक सेंट्रल पार्ट हो गया, इसका आसपास में छोटा छोटा गांव हो गया, ठीक है, जो गांव हो गया जो कि बहुत पुअर है कि नहीं, कुछ रिलीजन में आपका लो कास्ट होगा, है कि नहीं। तो यहाँ में ये लोग क्या होते हैं कि जो आपका सेंट्रल पार्ट होते हैं, ये लोग सेंट्रल पार्ट के लोग होते हैं जो कि इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ये इन लोग जो क्या करता है आपको बहुत ज़्यादा ये लोग डोमिनेट करता है, ठीक है, डोमिनेट करता है इन सामने वाला गढ़ लोग को, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ में देख सकते हैं कि हमारा यहाँ में कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके भी बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है। इस तरह यहाँ में क्या बताया कि इस टाइप का जो सेटलमेंट हमारा रूरल सेटलमेंट में देखने को मिलता है, क्लस्टर सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, इसमें क्या होता है कि आपका इस सेटलमेंट में इस तरह दिखने को मिलता है कि जो आपका सेंट्रल में जो मिडिल में आपका जो रहता है वो लोग थोड़ा बड़ा जाति का होगा, है कि नहीं, उन लोगों का हाई कास्ट का होगा, है कि नहीं। तो वो लोग बीच में रह के क्या करता है कि ये चारों तरफ को वो लोग डोमिनेट करता है कि अपना अंदर में रखता है कि तुम इस टाइप का कास्ट का है, तो ये लोग क्या करता है कि इसको डोमिनेट करता है ये सेंट्रल पार्ट में रह के, ठीक है। तो इस टाइप का आपको सेमी क्लस्टर आपको ये सेटलमेंट आपको बताता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ में आपको इस तरफ का आपको सेटलमेंट कहाँ में दिखने को मिलेगा, बोलते आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात में आपको ये सब दिखने को मिलेगा एंड आपको राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, गुजरात एंड आपका राजस्थान में इस टाइप का सेमी क्लस्टर सेटलमेंट दिखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ में ज़्यादातर मेनली हम अभी बताया रिलीजन के, रिलीजन को लेके, ठीक है, ज़्यादातर मेनली क्या हमें बेसिस करता है, रिलीजन को लेके, रिलीजन हो गया आपका, कास्ट वगैरह हो गया, ठीक है, आपका जैसे कि लोअर कास्ट होता है, हाई कास्ट, ठीक है, मतलब लोअर कास्ट का है तुम हायर कास्ट का है, ठीक है, अपर कास्ट का है, उन सब चीज़ को लेके आपको क्या करता है कि उसका बेसिस में आपको यहाँ में क्या करता है कि सेटलमेंट होता है, ठीक है। लेकिन इन लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा है, हम तुमसे बड़ा है, ठीक है, तुम मेरा अंदर रहना चाहिए, तो इन लोगों को इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर अपना रिलीजन का बेसिस में, आपका कास्ट का बेसिस में, ठीक है, तो इन लोग इन पड़ोसी लोग को, बस्ती लोग को क्या करता है कि डोमिनेट करता है, ठीक है। तो इस टाइप का सेटलमेंट को क्या बोलता है, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट बोलता है, ठीक है। तो ये तो होता है आपका सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आपको बुक में नहीं बताया। एंड देन सेमी क्लस्टर का बाद में क्या है आपका, तीसरा क्या है आपका, हेमलेटेड सेटलमेंट का बारे बताया गया, ठीक है। हेमलेटेड सेटलमेंट में क्या बताया, यहाँ में कुछ कुछ सेटलमेंट पैचेस का थ्रू होता है, ठीक है, मतलब पैचेस में होता है। जैसे कि मान लो यहाँ ये गांव हो गया, ठीक है, इस तरह का गांव हो गया, फिर इस टाइप का अलग अलग जो पैचेस होता है आपका, ऐसे पैचेस आपको हेमलेटेड सेटलमेंट में दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ में भी क्या होता है कि आपका यहाँ भी क्या होता है, जैसे कि एक ही आपका गांव होगा, ठीक है, यहाँ में भी क्या होता है कि रिलीजन का बेसिस में, जैसे कि इस पेज में, इस जगह में, ये एक ही बस्ती, एक ही बस्ती का जगह में, इसमें कोई अलग मतलब लोअर क्लास का कास्ट का लोग रह रहा है, ठीक है, या फिर थोड़ा हाई वाला रह रहा है, या फिर थोड़ा सा कम, फिर उससे भी और कम। तो इस टाइप का क्या होता है कि अलग अलग पैचेस का लोग, रिलीजन का बेसिस में हो गया आपका,
ठीक है, यानी कि कास्ट का बेसिस में आपको यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। तो इस टाइप के जो पैचेस होते हैं अलग अलग एक ही जगह में रह के अलग अलग पैचेस का लोक रहता है, उसी चीज़ को आपको हेमलेटेड सेटलमेंट बोला जाता है। ठीक है, कोई कोई जैसे कि बहुत ज़्यादा लो कास्ट हो गया, फिर उससे और थोड़ा कम, ठीक है ना। इस टाइप का जो अलग अलग लोग जो अलग अलग पैचेस में रहता है एक ही गाँव में रह के, इधर थोड़ा आधा रह रहा है, फिर यहाँ आधा रह रहा है, फिर यहाँ आधा, यहाँ आधा, इस तरह पैचेस को क्या बोलते हैं, हेमलेटेड पैचेस बोलते हैं। तो ये सब आपको मेनली आपको कहाँ में दिखने को मिलेगा बोलने से, आपको आपका जितना भी हिमालय फुटहिल हो गया, ठीक है, मेनली आपको कहाँ में दिखने को मिलेगा, हमसे आपका हिमालय का फुटहिल में दिखने को मिलेगा। एंड देन आपका छत्तीसगढ़, इन जगहों लोग में भी आपको हेमलेटेड सेटलमेंट दिखने को मिलता है, ठीक है। एंड देन आपका मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन में भी आपको इस तरह का आपको क्या दिखने को मिलेगा, पैचेस दिखने को मिलेगा। एक ही गांव हो के उसी गांव में अलग तरह का पैचेस, इस तरह का इस एक पैचेस में आपको कोई लो कास्ट वाला रह रहा होगा, फिर इसमें थोड़ा उससे कम वाला, फिर उससे थोड़ा हाई वाला, फिर उससे और कम वाला, इस टाइप का जो पैचेस एक ही जगह में रह के अलग अलग बना के घर बैठता है उसको बोलता है हेमलेटेड सेटलमेंट, ठीक है। वो इस तरह का इस जगह लुक में आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो होता है आपका हेमलेटेड सेटलमेंट, ठीक है, सिंपल सा है। आप ये सब एग्जाम्पल आप बाद में अगर लिखने से सबको दे सकते हैं, इन जगह लोग में मिलता है, ठीक है, इस टाइप का। तो ये तो होता है आपका हेमलेटेड। एंड दूसरा क्या है आपका डिस्पर्स। फोर्थ टाइप्स क्या है आपका डिस्पर्स। डिस्पर्स है तो आप लोग समझ रहा होगा, ठीक है, मतलब अलग होना है कि नहीं, यानी कि दूर होना, ठीक है। जैसे कि यहाँ में हमें मान लो ये गांव हो गया, इसमें कोई रह रहा है, इसमें कोई रह रहा है, इसमें कोई रह रहा है, इसमें कोई है कि नहीं। यहाँ में एक ही बस्ती में, यहाँ में मेरा घर है, यहाँ में आपका घर है, फिर यहाँ में किसी और का, यहाँ में किसी और का, यहाँ में किसी और का, तो जो क्या हो रहा है कि तो दूर दूर रहता है, ठीक है। एक ही गांव में रखे जिसका घर थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा दूर होगा, उस चीज़ को बोलते हैं आपका डिस्पर्स, क्या बोलता है, सेटलमेंट, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको क्या करता है कि मेनली आपको कहाँ में मिलता है, माउंटेन एरिया लोग में, ठीक है, माउंटेन एरिया लोग में आपको दिखने को मिलेगा। जैसे कि मेनली कहाँ में मिलेगा बोलने से आपका जितना भी माउंटेन एरिया हो गया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है कि नहीं, मेघालय, ठीक है, ये सब जगह लोग में आपको क्या करता है, इस टाइप का डिस्पर्स सेटलमेंट दिखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ में क्या होता है कि इन सब का कुछ कुछ पैचेस का नाम होता है, ठीक है, इन सब चीज़ का पैचेस का नाम होता है, कुछ लोकल नाम होता है, ठीक है। यहाँ में आपको तो इतना जाने का नहीं है, पर भी इस टाइप का जो पैचेस होते हैं दूर दूर जो होता है, इसका कुछ लोकल नाम होता है, ठीक है, लोकल नेम आपको दिखने को मिलता है। लोकल नेम जैसे कि आपका पन्ना, इसको पन्ना पाली, ठीक है, पन्ना पाली बोल के ऐसे लोकल नाम दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बुक में इतना नहीं दिया, जस्ट ऐसे आपको बता रहा है, ठीक है, जो इस टाइप का डिस्पर्स दूर दूर रहता है, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है, डिस्पर्स सेटलमेंट में आपको ये बताते हैं, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, है कि नहीं। तो ये सब आपका है कि नहीं। तो ये तो होता है आपका रूरल सेटलमेंट का आपका फोर टाइप्स। एक क्या है, क्लस्टर सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, आपका हेमलेटेड, एंड देन आपका डिस्पर्स सेटलमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, ये रूरल सेटलमेंट का बारे हम लोग पढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ में क्या करता है कि अभी हम लोग अर्बन सेटलमेंट का बारे देखेगा, ठीक है। कि अर्बन सेटलमेंट में क्या है कि आपका कुछ कुछ एवोल्यूशन, ठीक है, किस तरह हमारा सेटलमेंट हुआ है अर्बन सेटलमेंट, कि पहले मेडिवल टाइम में क्या हुआ है कि नहीं, फिर अभी मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, एंशियंट टाइम में क्या हो के किस तरह का एवोल्यूशन हमारा टाउन जो एवोल्यूट हुआ है, किस तरह का बनाया गया है कि नहीं। तो इसमें हमारा अर्बन सेटलमेंट में इस तरह दिखने को मिलेगा। तो यहाँ में हम लोग ये सेटलमेंट को, हम सेटलमेंट में हम लोग कुछ टाउन्स हो गया, हमारे टाउन्स को हम लोग कुछ इवोल्यूशन का थ्रू दिखेगा, ठीक है, इवोल्यूशन का थ्रू हम लोग दिखेगा। तो आपको अर्बन सेटलमेंट में आपको ये बताया, तो जैसे कि आपका टाउन्स का जो इवोल्यूशन होता है वो किस बेसिस में हुआ है, ठीक है। पहला तो आपका होता है एंशियंट टाइम्स में, ठीक है, एंशियंट टाइम्स में होता है। एंड दूसरा क्या है आपका मेडिवल टाइम्स,
ठीक है ना। एंशियंट टाइम्स आपको पता है कि ना, मेडिवल टाइम्स हो गया, ठीक है, मेडिवल टाइम्स हो गया, एंड देन आपका फिर मॉडर्न टाउन्स, ठीक है, अभी का मॉडर्न टाउन्स है कि नहीं। एंशियंट टाउन्स में क्या होता, मेडिवल में क्या होता है कि नहीं, मॉडर्न में किस तरह का इवोल्यूशन हुआ है, इस सब का टाउन, ठीक है। तो यहाँ में क्या करते हैं कि ज़्यादातर आपको एंशियंट टाउन्स में क्या बताया कि आपको मेनली, ठीक है, इसमें आप इस टाउन में, एंशियंट टाउन में आपका क्या इवोल्यूशन हुआ है, जिससे हमारा अर्बन सेटलमेंट दिखने को मिलता है, बोलने से आपको यहाँ में बता सक देख सकते हैं कि यहाँ में हमारा ज़्यादातर क्या करते हैं कि मेनली किसको बताता है, हमारा आपका कल्चरल, ठीक है, कल्चरल एंड रिलीजियस प्लेसेस को, कल्चरल एंड हमारा क्या है, रिलीजियस प्लेसेस को क्या करता है, आपको बताता है यहाँ में किस तरह का एंशियंट टाइम, एंशियंट टाउन्स में इस तरह का कल्चरल एंड रिलीजियस प्लेसेस को आपको इवोल्यूशन किया गया, जिसका वजह से हमें वो टाउन दिखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपको लाइक आप बोल सकते हैं वाराणसी, प्रयाग, ठीक है, प्रयाग, ये सब हो गया आपका, बुक में भी दिया गया, ठीक है, प्रयाग वगैरह हो गया आपका, मदुराई, अजमेर, ठीक है, अजमेर, मदुराई, ठीक है। तो यहाँ में आपको क्या करता है कि एंशियंट टाइम्स से आपको ये बताता है कि मेनली हमारे किस में आपको ज़्यादातर ध्यान दिया है, बोलने से आपका कल्चरल एंड रिलीजियस प्लेसेस को, ठीक है। जैसे भी आपको जितना भी ये कल्चर है, सब कल्चरल एंड रिलीजियस प्लेसेस है, जिसमें क्या होता है हमारा एंशियंट टाउन्स में हम लोग दिखने को मिलता है, जिससे क्या करता है कि हमारा बहुत इवोल्यूशन हुआ है, जिससे हम लोग अर्बन सेटलमेंट देख सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एंशियंट टाउन, एंड देन आपका दूसरा क्या है, मेडिवल टाउन्स, ठीक है। मेडिवल टाउन्स में क्या होता है कि यहाँ में आपका जो हेड क्वार्टर हो गया, ठीक है, हेड क्वार्टर हमारा होता है ना, हेड क्वार्टर ऑफ किंगडम है कि नहीं, इसी का जो हेड क्वार्टर हो गया हमारा, ठीक है, हेड क्वार्टर हमारा जो किंगडम हो गया, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि दिल्ली वगैरह हो गया, हैदराबाद, अजमेर, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको मेडिवल टाउन्स उन लोगों को बताए जो थोड़ा सा एंशियंट टाइम्स के बाद में थोड़ा फिर आगे होता है कि नहीं, जैसे कि आपका दिल्ली वगैरह हो गया, दिल्ली, हैदराबाद, देखिए ये लोग क्या है कि आपका देखने को मेडिकल टाउन्स में आपको इस तरह का इवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। एंड देन आपका मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न टाउन्स में क्या बताया, जैसे कि आपका जो यूरोपियन लुक हो गया, ठीक है, यूरोपियंस का समय में, एंड देन उसके बाद में आफ्टर आपका क्या है, इंडिपेंडेंस का बाद में, आफ्टर 15 अगस्त, है कि ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस आप बोल सकता है, ठीक है। यूरोपियन का जब आया था उसमें क्या होता था, है कि ना, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस का बाद में क्या एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। जैसे कि यूरोपियन का समय में क्या होता है कि वो लोग ट्रेड एंड कॉमर्स करता था, है कि ना, ये लोग के समय में क्या होता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ये लोग क्या करता था कि ये लोग जो एवोल्यूशन करता था, ठीक है, जिससे कि आपका जो भी, जिससे क्या होता है कि हम लोगों का डेवलप दिखने को मिलता है, ठीक है, हमारा टाउन लोग डेवलप हुआ था, ठीक है। जैसे कि आपका ट्रेड एंड कॉमर्स का आपका कोलकाता है कि नहीं, पहले में क्या था, कलकत्ता था, है कि नहीं। तो यहाँ में क्या करता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स का क्या करता है कि यूरोपियन समय में जब, ठीक है, इन सब का टाइम में क्या होता है कि आपको ट्रेड एंड कॉमर्स दिखने को मिलता है, जिससे क्या करता है कि हमारा टाउन लोग में आपका बहुत ज़्यादा डेवलप दिखने को मिले, है कि नहीं, डेवलप दिखने को मिला है। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ है कि आपका कुछ कुछ इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस का बाद में आपको जो इवोल्यूशन दिखने को मिला है वो आपका बोलने से एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आपको क्या करता है कि यहाँ का एवोल्यूशन दिखने को मिला है, ठीक है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में आपका जैसे कि क्या क्या होगा, आपका दिल्ली है, आपको पता है दिल्ली हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जगह है कि नहीं, दिल्ली हो गया आपका, भोपाल हो गया, ठीक है, दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, ठीक है, इस टाइप का कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है जो क्या हुआ किया है आफ्टर आपका जो इंडिपेंडेंट का बाद में जो आपका टाउन एवोल्यूशन हुआ है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का बात, यूरोपियन टाइम में आपका जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए हमारा जो टाउन डेवलप किया गया था, है कि ना। तो ये सब क्या है आपका अर्बन सेटलमेंट में आपका जो टाउन किस तरह का आपको एवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। एंड देन आपका कुछ कुछ हो गया इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है, इसमें आप इंडस्ट्री वगैरह भी आपको यूरोपियन में दिखने को मिला है,
इंडस्ट्री भी आपको क्या करा है कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, इंडस्ट्री हो गया, जितना इंडस्ट्री हो, जैसे कैसे सिंदरी, ठीक है, सिंदरी बोलता है, बोकार, ठीक है, सिंदरी, ये सब जगह, ठीक है, एंड देन टूरिस्ट, टूरिस्ट टाउन भी आपका बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन दिखने को मिला हमारा मॉडर्न टाइम्स में, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस में, जो टूरिस्ट प्लेस तो आपको पता ही होगा, ठीक है, नहीं तो हमारा शिमला टूरिस्ट प्लेस हो गया, अजमेर, ये सब, ठीक है, तो ये सब आपको बताया है आपका टाउन किस तरह का इवोल्यूशन हुआ है, हमारा इवोल्यूशन हुआ है एंशियंट टाउन्स के थ्रू मेडिवल एंड देन मॉडर्न, ठीक है, तो इस तरह हमारा अर्बन सेटलमेंट में हमारा टाउन जो इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ में ये बताया गया है। एंड देन अभी आपको देख सकता है कि टाउन का कुछ फंक्शन है कि नहीं, तो यहाँ में देखो अभी आपका अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, अर्बनाइजेशन का बारे बताया गया, ठीक है, तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया का बारे आपको यहाँ में देखने को मिला है, ठीक है, अर्बनाइजेशन में क्या है आपका जितना भी आपका जो परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज, ठीक है, यानी कि अर्बनाइजेशन मतलब जितना भी आपका जो परसेंट ऑफ पॉपुलेशन होता है, परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इन जो अर्बन एरियाज में रहता है, ठीक है, जो अर्बन एरियाज में रहता है उसको बोलते हैं आपका अर्बनाइजेशन, ठीक है, तो हमारे यहाँ में अकॉर्डिंग टू आपको 2001 का सेंसस में, ठीक है, अकॉर्डिंग 2001 का सेंसस में आपको, सॉरी 2001 नहीं, ठीक है, 2011 का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस में, आपको क्या किया कि यहाँ में आपको 31.16%, ठीक है, 31.16% लोग क्या करता था कि आपका टाउन दिखने को मिला है, ठीक है, 31.16% आपको टाउन दिखने को मिला है, ठीक है, हमारा इंडिया में, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हम लोग इससे हम लोग जैसे कि हमारा अभी 20, ठीक है, जैसे कि हमारा अभी जो अभी हमारा 20 सेंचुरी है, ठीक है, 20 सेंचुरी में जबकि क्या है कि अभी हमारा चीज़ लोग क्या करता है कि इसका रेट जो क्या हो गया कि डिक्रीज हो गया, ठीक है, हमारा डिक्रीज हो गया, जिससे क्या होता है कि सॉरी ये जो लास्ट टू डिकेड का 20 सेंचुरी में आपका क्या होता है कि हमारा जितना भी वो चीज़ लोग क्या हो गया कि बड़ा हो गया, ठीक है, 11 टाइम जैसे अभी हमारा जो 20 सेंचुरी हो गया इसमें क्या होता है कि हमारा 11 टाइम्स जैसे हमारा क्या हो गया कि ये जो बढ़ गया, ठीक है, बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारा ये बढ़ जाने के बाद, लेकिन जब हमारा यही 20 सेंचुरी का हमारा दो, ठीक है, जो हमारा 21st सेंचुरी, ठीक है, जो हमारा 21st सेंचुरी में क्या हो गया, ये जो 11 टाइम्स आपका क्या हुआ है कि बढ़ने लग जाता है, ठीक है, बढ़ना लगता है, लेकिन हमारा लास्ट टू डिकेड, ठीक है, लास्ट टू डिकेड में क्या होता है कि आपका ये जो अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन का जो रेट होता है वो जो क्या होता है कि डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, अर्बनाइजेशन का जो रेट जो क्या होता है कि डिक्रीज दिखने को मिलता है, ठीक है, तो आपको यहाँ में बुक में आपको ज़्यादा नहीं दिया गया, ठीक है, यहाँ में आपको कुछ डाटा दिया गया है, वो डाटा को आप बाद में आप देख सकता है, ठीक है, तो यहाँ में भी वही बताया है कि हमारा जितना टोटल पॉपुलेशन है इंक्रीज बताया 11 फोल्ड, ठीक है, जैसे कि हमारे 11 टाइम्स में हमारा क्या होता है कि हमारा पॉपुलेशन, ठीक है, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा है हमारा इंडिया में, है कि नहीं, 11 टाइम्स जैसा हमारा जो अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन जो क्या करता है कि इंडिया में इंक्रीज करने लगा है, कौन सा हमारा अर्बन, ठीक है, और पॉपुलेशन 11 टाइम्स
इंक्रीज करने लगा है, लेकिन लास्ट टू डिकेड पहले, ठीक है, लास्ट दो वर्ष पहले में आपका क्या हुआ कि अर्बनाइजेशन का रेट जो थोड़ा डिक्रीज होने लगा है, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन जो थोड़ा कम होने लगा है, ठीक है। तो यहाँ में आपको इतना नहीं दिया गया, ठीक है, जो आपको एक कुछ डाटा दिया गया उसको बाद में आप किताब में देख लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ में बताया कि अभी यहाँ में देखो आपको कुछ टाउन का बेसिस में, ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। टाउन का बेसिस में क्या हुआ है कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ टाउन में, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टाउन में, ऑन द बेसिस ऑफ टाउन में आपको पॉपुलेशन को, ठीक है, आपको जो पॉपुलेशन होता है, हमारे पॉपुलेशन को आपको दिखाया गया है, ठीक है, मतलब बेसिस ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि पॉपुलेशन का साइज, ठीक है, पॉपुलेशन का साइज का बारे हम लोग दिखने को मिलता है, ठीक है। इसमें हम लोग अभी इसका साइज को दिखने को मिलेगा, जैसे कि मान लो ठीक है, जैसे कि मोर देन 1 लाख से आपका पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन में क्या होता है कि मोर देन 1 लाख से आपका अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहलाएगा, आपको सिटी कहलाएगा या फिर 1 क्लास टाउन, ठीक है। इसको क्या करेगा कि आपको यहाँ में ऑन द बेसिस ऑफ टाउन, ठीक है, पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाउन, ठीक है, जिससे क्या करेगा हम लोगों का क्या दिखने को मिलेगा, पॉपुलेशन साइज दिखने को मिलता है, ठीक है। तो वो कैसे है बोन से, जैसे कि आपका फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन जो आपका मोर देन 1 लाख होगा, ठीक है, मोर देन 1 लाख होगा तो उसको क्या बोलेगा आपको, उसको सिटी बोलेगा या फिर क्लास टाउन, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्लास, ठीक है, 1 क्लास बोला जाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्लास टाउन बोला जाएगा। एंड देन दूसरा क्या है आपका, फिर 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन टू आपका 5 मिलियन तक अगर आपका पॉपुलेशन दिखाई देगा हमारा टाउन में, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा आपका, मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाएगा, ठीक है, नहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी, आप समझ, इतना से इतना पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, या फिर इतना से इतना तक होगा तो उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि आपका आप देख सकते हैं कि अर्बन लोग में भी कितना है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई क्लास 1 टाउन में है, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में है कि नहीं। एंड देन आपका अगर फिर से मोर देन 5 मिलियन, ठीक है, मोर देन 5 मिलियन से आपका जो होगा उसको क्या बोला जाएगा आपको, मेगा सिटी, ठीक है, क्या बोला जाएगा आपको, मेगा सिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाउन का बेसिस में हमारा पॉपुलेशन साइज को आपको बताया गया है, ठीक है, जैसे कि आपका मोर देन 1 लाख होगा तो आपको पॉपुलेशन होगा तो उसको सिटी बोलेगा या फिर फर्स्ट क्लास टाउन, एंड देन 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक होने से उसको बोलेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। एंड देन आपको 5 मिलियन से लेके जो मोर देन 5 मिलियन से होगा उसको क्या बोलता है आपका, मेगा सिटी, ठीक है। तो यहाँ में और एक कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है, यहाँ में और एक कंसेप्ट दिया गया है जिसको बोला गया है UA, यानी कि अर्बन एग्लोमरेशन, ठीक है, अर्बन एग्लोमरेशन, ठीक है, अर्बन एग्लोमरेशन का एक कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है। अर्बन एग्लोमरेशन कंसेप्ट का मतलब यहाँ में बताया गया कि यहाँ में 3 चीज का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स का उसमें से जो एक होगा उसी को बोलेगा आपका अर्बन एग्लोमरेशन, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ में फर्स्ट हो गया आपका टाउन, ठीक है, टाउन हो गया, टाउन को गिनेगा एंड के साथ में हम लोग क्या गिनेगा, हमारा जो आउटग्रोथ, ठीक है, ये पहला एक कॉम्बिनेशन है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा होगा। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या बताया आपका, जितना भी टाउन प्लस आउटग्रोथ हो गया है कि नहीं, यानी कि आउटग्रोथ यानी कि जो आउटग्रोथ यानी कि जो टाउन का बाहर, ठीक है, टाउन का जो क्या होता है कि आउटसाइड, जो टाउन का बाहर वाला को आउटग्रोथ बोलता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो रेलवे लाइन लुक हो गया है कि नहीं, रेलवे लुक हो गया आपको, रेलवे कॉलोनीस, कॉलेज कैंपस हो गया है कि नहीं, तो इस टाइप का आपको जो बताया, तो ये एक कॉम्बिनेशन है आपका टाउन प्लस आउटग्रोथ, ठीक है। एंड देन आपका फिर दूसरा क्या है आपका, जो सिटी हो गया,
ठीक है, सिटी हो गया, एंड देन आपका सिटी के साथ में आपको क्या करेगा, सिटी प्लस ठीक है वन और मोर टाउन, ठीक है सिटी हो गया, सिटी प्लस आपका क्या हो गया वन और मोर टाउन, ठीक है वन और मोर टाउन को जो आपको यहाँ एक कम्बिनेशन दिखने को मिलेगा, ठीक है उसी चीज़ को, सॉरी सिटी प्लस वन और मोर टाउन विथ, ठीक है विथ आउट ग्रोथ, विथ आउट ग्रोथ ये भी एक कम्बिनेशन है, ठीक है अब कम्बिनेशन यानी कि क्या है कि जो भी आपका सिटी हो गया, ठीक है सिटी हो गया उसका साथ में कोई एक या फिर एक से ज़्यादा जो टाउन को जो आउट ग्रोथ का साथ में होगा यानी कि टाउन का बाहर का साथ में जो होगा तो इससे भी क्या कहलाएगा आपको अर्बन एग्लोमरेशन कहलाएगा, ठीक है एंड देन फिर तीसरा क्या है बोलने से आपका तीसरा देखा ही नहीं देगा, तीसरा को हम यहाँ लिख देगा, ठीक है तीसरा को हम यहाँ लिख रहे हैं, हम नीचे में आपको दिखाई नहीं देगा सा, ठीक है तो यहाँ में क्या बताया कि टू टू और मोर, टू से ज़्यादा, ठीक है टू से ज़्यादा आपका जितना भी टाउन हो गया विदाउट आउट ग्रो, ठीक है टू और मोर प्लस विदाउट क्या है आपका आउट ग्रो, अगर दो से ज़्यादा ठीक है दो होगा या फिर दो से ज़्यादा जो उसका साथ में जो विदाउट आउटग्रोथ यानी कि बाहर टाउन का जो लोग नहीं होंगे जो होगा वो भी क्या कर कहलाएगा आपका क्या है आपका अर्बन एग्लोमरेशन, ठीक है तो अगर ये सब आपका तीन, ठीक है ये सब जितना जो कम्बिनेशन हो गया ये एक कम्बिनेशन दो कम्बिनेशन तीन, ये जो कम्बिनेशन का जो चीज़ होता है थिंग्स होता है जो कम्बाइन होके होता है उसी को बोलता है आपका अर्बन एग्लोमरेशन, ठीक है इनमें से आपका जो भी होगा उसको बोलता है आपका अर्बन एग्लोमरेशन, ठीक है तो आपको यहाँ में बताएं एंड यहाँ में बताया कि अकॉर्डिंग टू 2000 आपका वन का सेंसस में, ठीक है आपको अकॉर्डिंग टू 2001 का सेंसस में क्या बताया है कि 2001 का सेंसस में बताया कि मोर देन आपका 60% जैसा आपका क्या होता है कि पॉपुलेशन लोग, ठीक है मोर देन 60% जैसा आपका अर्बन पॉपुलेशन लोग क्या होता है आपको आर लिव इन कहाँ में होता है आपका सिटी में या फिर फर्स्ट क्लास टाउन, ठीक है फर्स्ट क्लास टाउन में आपको दिखने को मिलता है हमारा अकॉर्डिंग टू 2001 का सेंसस में, ठीक है एंड देन आपका इसमें से क्या है कि 21% जैसा मेगा सिटीज़ में 21% जैसा आपका मेगा सिटीज़ में दिखने को मिलता है, ठीक है तो ये सब आपको बताया गया है, ठीक है तो यहाँ में आपको यही है, ठीक है तो आपका यहाँ में पॉपुलेशन तो हमारे ये ऑन द बेसिस ऑफ टाउन, ठीक है टाउन का बेसिस में पॉपुलेशन का साइज को किस तरह बताया गया है, ठीक है तो आपका बुक में भी आपको ये बताया है। तो अभी आपको यहाँ में बताया टाउन का फंक्शन का बारे बताया, ठीक है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, ठीक है यानी कि टाउन का भी कुछ आपको फंक्शन, ठीक है टाउन में भी आपको कुछ कुछ फंक्शन दिखाया गया जिसको हमारा क्या किया कि क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है हमारा क्लासिफाई किया गया जैसे कि आपको देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो गया, ठीक है जैसे कि आपका बहुत सारा हमारा टाउन फंक्शन को हमारा क्या क्या है डिवाइड किया जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में किया है, ठीक है दूसरा क्या है आपको ट्रेड एंड कॉमर्स में, तीसरा क्या है आपको रिलीजियस, फोर क्या है आपका एजुकेशन सेंटर, ठीक है एंड देन आपका टूरिस्ट माइनिंग कैंटोनमेंट, ठीक है कैंटोनमेंट टाउन हेल्थ
ठीक है। आपको इस तरह में आपको क्या क्या टाउन का भी कुछ फंक्शन दिखाया गया, कुछ फंक्शनल टाउन में आपको मतलब टाउन का कुछ फंक्शन दिखाया गया कि किस तरह का हमारा टाउन में भी फंक्शन होता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी एक फंक्शन है, ट्रेड एंड कॉमर्स, रिलीजियस, एजुकेशन सेंटर, टूरिस्ट, माइनिंग, कैंटोनमेंट टाउन एंड हेल्थ। इस चीज़ में क्या क्या कि इन लोगों को कुछ फंक्शन किया गया जिससे हमारा टाउन जो चल सके, है कि नहीं। तो यहाँ में जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में हो गया, जैसे कि आपका जो भी दिल्ली वगैरह हो गया, ठीक है। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन से आप मालूम हो जाता है कि सिंपली ये दिल्ली को बताया, ठीक है। जितना भी आपका जो कैपिटल होता है कि नहीं, जितना भी आपका कैपिटल पार्ट लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसको दिल्ली वगैरह हो गया, ठीक है। जितना भी जो कैपिटल स्टेट का कैपिटल होगा वो लोग क्या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन लोग होता है, ठीक है। देन आपका ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या होता है कि जैसे कि आपका जो कहाँ से आपका ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, जैसे कि हम आपको आगे भी बताएं हमारा जो कलकत्ता है कि नहीं, जो अभी कलकत्ता हो गया आपका, सूरत हो गया, ठीक है। इन लोग चीज़ में क्या होता है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स दिखने को मिलता है, ठीक है। आपका हैदराबाद हो गया, कोचिन हो गया, है कि नहीं, ये सब जगह में क्या होता है कि आपको ट्रेड एंड कॉमर्स दिखने को मिलेगा, ठीक है। ना आपको रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस टाउन कहाँ कहाँ दिखने को मिलेगा, जैसे कि आपका वाराणसी हो गया, जैसे आगे में भी हम पढ़ाया था, है कि नहीं, वाराणसी, प्रयाग, ये सब चीज़ में क्या करता है कि आपको रिलीजियस टाउन दिखने को मिलेगा इसका फंक्शन, ठीक है। एंड एजुकेशन सेंटर कहाँ में हो गया आपका, दिल्ली, ठीक है, आपका दिल्ली वगैरह, हैदराबाद, ठीक है, ये सब कोटा, ये सब क्या होता है कि एजुकेशन सेंटर आपको इसका फंक्शन दिखने को मिलेगा। एंड टूरिस्ट का क्या बताया था, शिमला वगैरह हो गया, है कि नहीं, शिमला, अजमेर, ये सब, ठीक है, ओटी, ये सब है आपका टूरिस्ट प्लेस लोग, ठीक है। एंड देन माइनिंग, ठीक है, माइनिंग का क्या है आपका, जैसे कि सिंदरी, सिंदरी एरिया लोग हो गया, ठीक है, इन सब जगह लोग में, और भी बहुत सारा जगह है, सिंदरी हो गया आपका, जरिया हो गया, उसका बाद में जरिया हो गया, उसके बाद में कोडरमा, इन सब चीज़ में क्या होता है आपको माइनिंग का फंक्शन दिखने को मिलता है, ठीक है। एंड आपका कैंटोनमेंट टाउन, ठीक है, कैंटोनमेंट टाउन में आपका क्या हो गया, जैसे कि आपका अंबाला, ठीक है, अंबाला जगह में हो गया, वाबीना, ये सब जगह में क्या मिलेगा आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये कैंटोनमेंट मतलब क्या है कि जहाँ में मिलिट्री पोस्ट लोग रहता है, ठीक है, जो मिलिट्री लोग रहता है उन लोगों को बोलते हैं, ठीक है, जहाँ में समझ रहे हैं कि नहीं, गैरिसन टाउन भी बोला जाता है, ठीक है, कैंटोनमेंट उसमें को बोलते हैं आपका अंबाला, ये सब में आपको दिखने को मिलता है हमारे ये सब मिलिट्री लोग, ठीक है। तो इस तरह का आपको टाउन दिखने को मिलता है जो हमारा फंक्शन करता है, ठीक है, हमारे टाउन को हमारा चलाता है। एंड हेल्थ में अभी मान लो हमारा लोग क्या होता है कि फॉरेन से आपका बहुत सारा लोग हमारा इंडिया में अगर हेल्थ के लिए आता है कि नहीं, बेंगलोर लोग में आता है, तो ये लोग क्या है, एक ऐसा अच्छा जगह है जिससे क्या करते हैं हमारा टाउन को चला रहा है कि नहीं, हमारा टाउन को कुछ फंक्शन कर रहा है जिससे क्या कर रहा है कि हम लोगों का ये जगह लोग क्या हो रहा है कि बहुत अच्छा से काम कर रहा है, ठीक है, फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको यही बताएं, तो यहाँ में वही है, ठीक है, हेल्थ में आपका बेंगलोर वगैरह हो गया, और भी बहुत सारा है, चेन्नई वगैरह, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इन लोग जगह में आदमी लोग क्या होते हैं कि जो बड़ा बड़ा बीमार होता है, हेल्थ प्रॉब्लम होता है, इन लोग इन जगह में आके ये लोग क्या कर ट्रीटमेंट वगैरह करता है। तो इन सब ये सब चीज़ क्या है, हमारा टाउन का फंक्शन है जो हम लोगों को क्या कर रहा है कि हम लोगों का सेटलमेंट दिखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का क्या होता है कि हमारा अर्बन सेटलमेंट को हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कितना अर्बनाइज होके बैठा है कि नहीं। तो ये सब हमारा फंक्शन है, तो ये सब भी था, ठीक है। तो आपका किताब में यही एंड कुछ कुछ आपको वो बताया गया है, ठीक है, लाइक क्या बोल रहा है, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा डाटा दिया गया है आपको, ठीक है, आपका बुक में बहुत ज़्यादा डाटा दिया गया है, तो आप उस डाटा को आप बाद में देख सकता है, ठीक है, डाटा को देख के, ठीक है। तो ये सब है कि नहीं। तो ये ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बुक भी शॉर्ट ही था, है कि नहीं। तो इस टाइप का हमारा ये ह्यूमन सेटलमेंट हम लोग इसको दिखने को मिला है, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम होगा तो आप बाद में क्लास टाइम में आप पूछ सकता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा चैप्टर ये ख़त्म हुआ, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर नेक्स्ट चैप्टर फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसमें आप लोग को फिर से वापस मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।